खूबसूरत पहाड़ बने हुए हैं। हम जा रहे हैं नाज़रीन, टमाटर और प्याज हमारा घुटे हुए थे। मेरे हुसैन का है तो नहीं था, फिर भी सही नहीं, कीचड़ वीचड़ लगा के ना। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन रजा नकवी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन रजा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ अब तक आप पहुँचे। तो गाइस कल आपने देखा होगा कल वाली व्लॉग में कि माशाल्लाह हम कहाँ कहाँ गए थे और कितनी ख्वारियाँ हुई थी और कितना पानी में नहाए थे हम। और कल रात जैसे ही हम घर पहुँचे थे तो मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। और माशाल्लाह कल वाला व्लॉग हमारा बहुत ही अच्छा गया था। आप सबको सजेस्ट करूंगा पहले कल वाला व्लॉग आप जाके देखें। और आप सबसे जो तय हुई थी मेरी बात वो ये हुई थी कि अगर मौसम हमारा बेस्ट रहेगा तो इंशाल्लाह डेली व्लॉग बनाएंगे। सो आज डे टू है मौसम का, सो इंशाल्लाह आज भी व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कल वाला व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, इंशाल्लाह कल ये वाला व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। सो आपसे जो बातें हुई थी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगा जब तक मौसम बेस्ट है। आप भी अपनी बात पे तय रहिएगा कि आपने वो सब व्लॉग देखने हैं। सो वेलकम बैक हो गया आपका एक और व्लॉग के अंदर। और मौसम माशाल्लाह आज बेस्ट लगा पड़ा है कल की तरह, लेकिन कल सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। सुबह के टाइम में हल्की फुल्की बारिशें हो रही हैं, कभी बरस रही हैं, कभी कुछ भी नहीं है, कभी बस मौसम बेस्ट है। सो अभी भी हल्की हल्की बिल्कुल बारीक बूंदाबारी हो रही है। सो माशाल्लाह मौसम आज भी बेस्ट है, लेकिन आज हमारे हक में है मौसम, वो इस वजह से कि अगर हम कहीं भी जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, बस मौसम अच्छा रहेगा। सो अभी तकरीबन दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ, बहुत लेट उठा हूँ। सो पहले करते हैं नाश्ता। नाश्ता तो खैर मैंने कर लिया है चाय और ब्रेड के साथ। अभी लंच का टाइम है, लंच करते हैं फिर निकलते हैं कहीं बाहर और सबसे रब्ता करते हैं जो जो कल हमारे साथ थे। मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो निकलेंगे, लेकिन देखते हैं जो निकला सो उसे पकड़ेंगे और निकलेंगे फटाफट। जी आज है लंच में रोटी पकौड़े राइस और ये एक सब्जी है जो हम खाते हैं और पानी माशाल्लाह पड़ा हुआ है। बहुत टेस्टी है ये सब्जी जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया, बस अभी निकलते हैं बाहर के लिए और रब्ता कर रहे हैं सबसे। हाँ भाई कहाँ गए थे तुम कल? हम यार गए थे अली अलमदार के लिए निकले थे, लेकिन व्लॉग देखा होगा तुमने कल वाला। हाँ तुम्हारी ख्वारी देखी मैंने, इरफान वालों की तुम्हारी सबकी। बस क्या करें, वो नजम ने जो बाइक उठाई थी ना उसमें कोई चेन का मसला था और पानी भी था, पानी की वजह से चेन बार बार उतर रही थी। जब तुम्हें पता था कि बाइक उसकी ख़राब है तो क्यों ले गए थे? बस हमें क्या पता, मुझे इतना पता नहीं था कि उसकी इतनी बाइक ख़राब हो जाएगी। बड़ी ख्वारी हुई कल, बड़ी ख्वारी। कर लेते मैं आ जाता। आप तकरीबन आते हैं शाम को 5 बजे और 5 बजे के बाद हम निकलते तो टाइम क्या बचता, और मौसम की वजह से अंधेरा भी बहुत जल्दी हो पा रहा है। अच्छा खैरपुर जाने की क्या ज़रूरत थी जब इतनी बारिश थी? ये इरफान भाई के गांव में उसने कहा कि वहाँ से खैरपुर नज़दीक है चलते हैं। खैरपुर खैरपुर गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। वो तो व्लॉग में मैंने बस एक सीन डाल दिया कि हम खैरपुर भी गए हैं, फिर खैरपुर से घर आए, तकरीबन वापसी आते आते आपके सामने हमें 9 बज गए। मैंने देखा। बस आज कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी बाइक ले लें, आप वाली बाइक जो है वो बेस्ट है। आप अभी अपनी चाबी दे दें तो हम निकले फटाफट से। तो गाइस निकलते हैं बस 5-10 मिनट में, चलते हैं बाहर, फिर आपको बताता हूँ कि आज का प्लान क्या है। अच्छा जी निकल चुके हैं घर से, बदरफान भाई ने बोला कि आप बाहर आ जाएं, चल वहाँ से निकलते हैं। मैं और बाकर घर से पैदल निकले हैं, बाकी हसनैन भाई और इरतसाम वो दोनों बाइक पे चले गए हैं। अच्छा भाई माशाल्लाह से आज भी मौसम बेस्ट है कल की तरह, लेकिन कल बारिश हो रही थी, यहाँ पे खड़े थे हम इसी टाइम, और माशाल्लाह आज भी मौसम बेस्ट ही है। बस आज हल्की सी कीचड़ है, बाकी बारिश भी रुकी हुई है और मौसम बस बेस्ट है। खड़े हैं इरफान भाई के इंतज़ार में, इसकी आदत कभी भी ख़त्म नहीं होगी इरफान भाई की, जब तक ये हमें वेट नहीं करवाएगा तब तक घर से बाहर नहीं आता। हालांकि आज मैंने एक चालाकी की, मैंने इरफान भाई को बोला कि मैं खड़ा हूँ मैदान पे, आप आ जाओ, हालांकि मैं घर ही खड़ा था। वो बोल रहा है बस मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, मैं यहाँ पे पहुँच गया लेकिन वो नहीं पहुँचाया अभी तक, ये हालत देखें आप। तो ठाकर को मैंने भेजा हुआ था इरफान भाई के पास, वो अभी आया है। दो अलावल कह रहे हैं सब्जी लेने गया है। वाह देखे काम आपने इरफान भाई के, पता नहीं कब सुधरेगा ये बंदा। ये आ रहा है, वो दिन कब आएगा जिस दिन आप परफेक्ट टाइम पे आएंगे, वो दिन आएगा कभी? आया तो परफेक्ट टाइम पे,
आपके घर गए हैं हम, वो बोल रहे हैं बाहर सब्जी लेने गया हुआ है। यार मसला ये था, टमाटर और प्याज हमारा घुटे हुए थे और रात मुझसे हो सकता है गलती कोई हो, रिश्ते अम्मी का वो जल गया था थोड़ा, उसका वो टाक लगा, वो टाका लगा के आ गया हमें। अब यसनैन भाई वाले भी खड़े थे, वो गए हैं सामने ऊपर, वो भी चल रहे हैं साथ में, वो भी चल रहे हैं साथ में, शेरुजा भी चलेंगे। फिलहाल मैंने उन्हें नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर मैं बोलूँगा ना शेरुजा के लिए वो बोलेंगे चलेंगे ही नहीं, तो फिर उसको पेट्रोल तो भरवाना है, तो उधर रास्ते में भरवाएंगे और क्या। चलें देखते हैं, पहले यहाँ से निकलेंगे किसी और जगह के लिए, फिर आगे का जो प्लान है वो मेरा और इरफान भाई का सोचा हुआ है, पर देखते हैं वहाँ जाते हैं या नहीं, पहले आ जाएं इरफान भाई। अच्छा जी, आज हमारे ग्रुप में नजफ, बाकिर और मुजावर, ये तीनों नहीं है, नजफ था घर, बाकी बाकिर और मुजावर वाले गए हैं किसी और जगह पे, तो उसके बदले में एक बंदा हमें और मिला है, वो है हसनैन भाई। आज संडे है, संडे के दिन हसनैन भाई की जॉब की छुट्टी होती है, तो आज हमें ज्वाइन किया है हसनैन भाई ने। अच्छा जी, चलना कहाँ है आज? यार आज बस सरप्राइज है, हसनैन भाई ने भी ज्वाइन किया है। वैसे तो हम बड़े मुंह से बोलते हैं कि भाई आप इधर जाना है, इधर जाना है, आज जो है ना हसनैन भाई साथ में, इसी वजह से उनके हिसाब से नहीं बताना है, सरप्राइज इनको देना है। हसनैन भाई को देना है जी सरप्राइज, तभी हम नहीं बता रहे फिलहाल कहाँ जा रहे हैं, आप देखते जाए कहाँ जाते हैं। पेट्रोल डलवाने आए हैं अभी, हल्की हल्की धूप निकल आई है, लग तो नहीं रहा कि आज बारिश होगी, ये देखें क्लियर हो गया है सारा मौसम, फिर भी देखते हैं, बारिश हो गई तो बेस्ट है, अगर ना कोई मसला नहीं। इस साइड से बड़ी बारिश आ रही है और ये साइड पूरी क्लियर लगी पड़ी है, आप देखें। मेरे ख्याल से हम जब तक निकलेंगे उस जगह पे पहुंचेंगे तब तक माशाल्लाह से बारिश स्टार्ट हो ही जाएगी। अच्छा जी, हमें जाना है सामने वाले रास्ते से, और सामने आप देखें बहुत ही बादल बन चुके हैं और बारिश मेरे ख्याल से इसी तरफ ही होगी, क्या कहते हैं? बस यार ये एक तो कल खुआरी थी और आज जो है अच्छे काम में जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताबूत भी है, इंशाल्लाह शेरुजा वो उसकी ज्यारत भी करेंगे, मगर 100% वहाँ पर जा रहे हैं हम, 100% बरसात है, चलो इंशाल्लाह हो जाए तो बेस्ट है। अल्लाह की तरफ से ये नेमत और अब्र रहमत आपको नजर आ रही है, ये जब अब्र रहमत पड़ती है तो हमारी आंखें नहीं खुलती है, हाँ ये बात है। भाई कितनी जोर से बरसात पड़ रही है, हम जा रहे हैं नाजरीन सिर्फ आपकी खातिर, नाजरीन नहीं तो हमें कुछ रोक नहीं है, नाजरीन इरफान भाई बोल रहा है, मतलब आपकी खातिर जा रहे हैं और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मौसम तो देखो कितना मौसम लगा पड़ा है। अच्छा गाइस, रास्ते में हम खड़े हो गए हैं वो इसलिए ताकि हमारे पास जो मोबाइल्स हैं वो हमने तो फिलहाल जेब में रखी हैं, लेकिन चॉपर लेके आए हैं, लेकिन ये आगे मंजर देख के हमने सोचा अपने मोबाइल को कवर कर दें ताकि आगे चल के अगर बारिश हो भी रही है तो वो सिक्योर रहें। ये सारे देखें सिक्योर कर रहे हैं अपनी मोबाइल्स फ़ोन को, बाइक्स को। खतरनाक है, कल वाली जो थी वो तो अपने हिसाब से थी, वो माने नॉर्मल रेंज में चल रही थी, मगर थी अच्छी खासी, मगर ये जो है ना सामने वाली अपने आपको सिक्योर तो करेंगे ना, फिर बरसे या नहीं बरसे, मगर ये है 100% सामने वाली, आप देखें खुद देखें अपनी आंखों से देखें, ये 100% है, ये बढ़ती हुई आ रही है ऊपर और इसी वजह से ये बहुत भयानक है ये, हाँ भयानक है हसन भाई, मैं बता भयानक बरसात, भयानक बरसात आज की बरसात, और आज का टाइटल होगा भयानक बरसात। यहाँ पे कमाल देखे, यहाँ पे धूप है, वहाँ पे वहाँ पर नेता रहा है। माशाल्लाह से बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की और आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है।
यार, वाह वाह वाह, क्या मजा है यार। यार मैं तो बोलता हूँ, जो भी घर में बैठा हुआ है अभी भी उसको मौका है, क्या शक्कर धन पे ही आ जाए। तो तमाम बेहतरीन मौसम लगा पड़ा है यार। डरवाओ, अरे जो कंजूस है 200 रुपए पेट्रोल डरवाओ, आ जाओ निकलो बाहर, घर में बैठ के क्या करोगे यार। सामने जो मोटर का रोड है आप देखें, अच्छा गाइस जिस तरह से दीगर शहरों में टाउन्स बन चुके हैं माशाल्लाह से, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा टाउन बन गया है और इस टाउन का नाम है बुराक टाउन। बड़ा ही बेहतरीन टाउन यहाँ पे बनने जा रहा है। तो माशाल्लाह हमें बाहर से लोकेशन ये सामने मेन जो मोटरवे रोड होता है जहाँ से हम चढ़ते हैं इंटरचेंज, हाँ इंटरचेंज के सामने ही आगे वाली साइड की तरफ से ये देखें पूरा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इरफान भाई मैं कहता हूँ एक जगह आप यहाँ भी ले लें यार, बस इधर से थोड़ा मंज अच्छा ये लोकेशन आ रहा है, तो मैं अपनी जो ना पोज भाई ये क्या बोलते हैं टिकटॉक वाला पोज में लगवाऊंगा, बात है सीधी ना, क्या बोलते हैं चटा हो कुछ भी हो मगर अपने शौक को जवान रखो, जवान नौजवान, हाँ जवान और नौजवान दोनों का अलग अलग है, जवान दिल जवान ठीक है, और दूसरा क्या बोला था नौजवान, हाँ नौजवान नौजवान जैसे ये है इनको देख के खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, घूमो फिरो और इस हसीन वादी मौसम की इसका आप समंदर में डुबकी लगा के आओ, हाँ ये समंदर के नीचे से चल रहा है यार, ये बिल्कुल कराची वाला सीन हो गया है। हाँ यार ये तो पुल बन गया, वो दो दरिया, एक दरिया ये एक दरिया ये, हो गए दो दरिया, कम ऑन लेट्स गो। अच्छा जी तो माशाल्लाह ये वीडियोस बन चुकी हैं हमारी, आप सब हमारे टिकटॉक अकाउंट पे जाएं, वहाँ पे जाके देखिएगा। चलो निकले निकले निकले, चलो 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 भाई चलो क्या ये लो। अरे 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 हसनैन भाई, हसनैन भाई ओए 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 जी, यहाँ से बागात शुरू हो चुके हैं और ये ऊपर मस्जिद बनी हुई है, कहते हैं सिंध की पहली मस्जिद थी। अच्छा जी तो पहुंच चुके हैं, अभी हम आए हैं अरोड साइड, यहाँ पे एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है हजरत शाह शकरगंज, के सामने उनकी मज़ार है। सो आज आए हैं यहाँ पे ज़ियारत करने और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप माशाल्लाह। जैसे बलूचिस्तान में बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ पे भी अरोड़ साइड में आप देखें बहुत ही खूबसूरत पहाड़ बने हुए हैं और माशाल्लाह प्लस में यहाँ का मौसम भी औसम है, तो यानी बहुत अच्छा हो गया है। चलते हैं आगे और अंदर चलते हैं, ज़ियारत भी करते हैं जब तक। माशाल्लाह बहुत सुकून है, बहुत हवाएँ चल रही हैं और बिल्कुल खामोशी सी है। बाहर का अहाता और अंदर है साई की मज़ार, अंदर भी चलेंगे ज़ियारत करेंगे और इस तरफ ये मस्जिद है, ये अंदर साई के अंदर मज़ार बनी हुई है, अंदर चलेंगे ज़ियारत करते हैं। सामने ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, इस मज़ार के गोल पहाड़ हैं, बीच में ये है, बैक साइड से भी आगे से भी दोनों तरफों से भी साइड वाली पहाड़ बने हुए हैं बड़े बड़े खूबसूरत। सामने देखे लोग यहाँ से ऊपर चढ़ के गए माशाल्लाह। हाँ जी क्या कहते हो, चलें ऊपर सामने पहले साई की ज़ियारत करें फिर ऊपर चलें। चलो अंदर चलते हैं ज़ियारत करते हैं, जूतियाँ उतारे यहाँ पे। यह जी अंदर से बनी हुई साईं की मज़ार, फिलहाल यहाँ पे अंधेरा है, लाइट बंद है इसी वजह से।
चलना है ऊपर, चलना है मोलू, चलना है हाँ मोलू। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं इसकी इस साइड क्या है। पानी के दो दो घूंट पी लो तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर तो हमारे पास कोई ऐसी नहीं है, पानी खाली कुछ भी नहीं, किसी में भी नहीं है, नहीं है पानी, नहीं है। वाली वाली करके चलते हैं ऊपर, चलते हैं। और ये जो बंदे ऊपर गए थे, ये तो नजर ही नहीं आ रहे यार, पता नहीं कहाँ गए। ये तो गायब हो गए। और यार यहाँ से तो रास्ता नीचे बना हुआ था, रास्ता हार्ड बना हुआ है। चलो चलो चलो, ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, रात हो जाएगी मेरे ख्याल में भाई। इंडिया का बॉर्डर भी है वहाँ पे, उस सामने लगे तारे बस जो इस, बोलो इस पहाड़ को क्रॉस करेंगे आगे इंडिया है। इधर से निजाम शाह बैठा हुआ, उधर से हरबंदनाथ बैठा हुआ है। हरबंदनाथ कौन सा रास्ता लोगे, ये वाला या वो वाला? ये सामने वाला रास्ता ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल से। ये हाँ जी, ऐसे ना वहाँ से हम वापस गिरते गिरते हैं इरफान भाई। बस चलने, बस चप्पल का ख्याल करना है, चलो फिसल जाए यार। हाय हाय, आज हमारी सांसें बिल्कुल बरसात, वो सामने ही बस वो बने हुए हैं बादल अच्छे। रास्ते नहीं पकड़े हाय हाय हाय, रास्ता बिल्कुल खराब बना हुआ है, ख्याल करना। पाँव ही निकल रहे हैं नीचे भाई, हमारी चप्पलें ऐसी हैं। वो सामने से हम आए हैं, आखिर वहाँ चढ़ गया। इससे पूछो बंदरों के साथ इसका वास्ता है क्या? बात ये है कि इनका ताला रखे हैं। ओए ओए डैन गो, वाह यार, वाह वाह, हाय 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 हाय। उधर शायद घर बना हुआ है, उधर देखो, ज़ूम करो, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और यार ये देखो, पाँव ही पूरे नीचे चले जा रहे हैं, ये नीचे काम हो रहा है मेरे ख्याल से कोई। ये यहाँ से पत्थर, ये जो होता है ना बेचते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, यहाँ से ये मशीन के जरिए यहाँ से खुदाई करके फिर वो वहाँ पर जाके बेचते हैं। पूरा रास्ता बनाया गया है, सीधा ही जा रहा है। उधर देखो हरियाली कैसी है, जबरदस्त यार, वाओ। ये देखिए नीचे स्विमिंग पूल लगे हुए हैं, तीन तीन वो भी। यार ईरान जाते हैं ना तो वहाँ पर भी ऐसे ही नजर आता है ये नज़ारा, ये जो नीचे नजर आ रहा है, ईरान की सड़कें ऐसे ऊपर होती हैं, फिर नज़ारे कहीं ऊपर तो कहीं नीचे। ऐसे हमारा रोड़ी भी खूबसूरती में आ रहा है। देखो हमारे पास है, ये देखो पत्थर है ना पहाड़ी, तो वहाँ पर जूम करो, वहाँ पर भी हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है देखो। इतने शहर में नहीं नजर आ रहे जितना गैर आबादी में नजर आ रहा है। देखो है कोई घर यहाँ पर, यहाँ पे लाइट नहीं जाती होगी, तो वही मसला, यहाँ पर चोर नहीं ना, कुंडी चोर। वो ड्रिल मशीन खड़ी हुई है ना, काट रही। वाह, आज काम रुका हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि बारिश हो रही है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम एक टेंट लेके आएंगे यहाँ पे, 24 आवर्स यहाँ पे सरवाइव करेंगे, क्या कहते हो इरफान भाई? थोड़े मौसम सही हो जाए तो रात दिन ओके हो जाए। वैसे तो यहाँ पर सहूलत हर चीज़ की है माशाल्लाह, जबरदस्त है कि ये चौगान है, और मच्छी कचहरी जैसे होती है वो भी यहाँ पर हो जाएगी सकून से। ये हमने सोचा है कि एक लोग हम यहाँ पे बनाएंगे, और 12 घंटे हो गए या 24 घंटे हो गए यहाँ पे सरवाइव करके, देखेंगे देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहेगा हमारा, बस यहाँ पे वो सांप वगैरह या कोई और चीज़ ना निकले, बाकी खैर है। तुमसे हम बनवाएंगे चाय, तुम चाय अच्छी बनाते हो, इरफान भाई से बनवाएंगे सब्जी, सालन देखेंगे सालन में इंशाल्लाह, ओके करते हैं। सब में से रोटी कौन बनाएगा? रोटी है ना नैन भाई, हाँ नहीं नैन भाई बनाएगा, वो रोटी इसने बनाई और हमने खाई। कड़वी रोटी खिलाऊंगा, कड़वी रोटी। अच्छा जी, मौसम माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट हो चुका है, बारिश नहीं हो रही, बस मौसम बेस्ट है, हवाएं चल रही हैं, तो हमने सोचा है कि चंद अशार मौला की बारगाह में पढ़ रहे हैं। कोई पूछे ये दौर किस का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे
हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है। रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है। तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, शाम आना मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है। मंगले दुआ रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। जी उतरने का टाइम आ चुका है, चढ़ तो जल्दी गए थे अब उतरने का सिस्टम कुछ मुश्किल लग रहा है। कुछ जगह पे बंदा सुकून से उतर जाता है, वही जो जगह होती है ना बहुत मुश्किल है, यहाँ से अगर पैर फिसला ना तो माशाल्लाह से वहाँ पे जाके रुकेगा, जेल भनेगी। बाकी जो जो ये वीडियो देखेंगे वो बोलेंगे भाई हमने ये बड़ा मौका मिस कर दिया। और वो जो हैं अपने दोस्त वो बोलेंगे हमें क्यों नहीं बताया कि हमें भी साथ में लेके जाते यार। मैं गया था अभी नजफ के घर सुबह, और जिस टाइम निकल रहे थे सुबह बोल रहा हूँ तो नजफ को मैंने उठाया, मैंने कहा चल रहे, वो सोया पड़ा था, बोल रहा है भाई कल इतनी खुआरी हुई है मुझसे अभी चला ही नहीं जा रहा, मैं नहीं चलूंगा आज। अरे यार ये कभी कभार मौके से आ जाते यार। मैंने उसे बोला कि मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को कहा है जितने दिन भी मौसम अच्छा रहा हम उस हिसाब से डेली व्लॉग बनाएंगे, वैसे गर्मी होती है कभी कभी बनाते हैं। सो डे टू है आज हमारा, देखते हैं अगर कल मौसम बेस्ट हुआ तो कल भी कोशिश करेंगे, जो जबान तय हुई है हमारे आपके साथ उस पर पूरे उतरेंगे, किसी नई जगह पे जाएंगे। हाँ कल भी इंशाल्लाह कुछ और जगहें हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। चलें जी उतर चुके हैं नीचे, ये इरफान भाई ये काम देख रहे हैं, सीढ़ियों से गाड़ी उतार रहा है, उतार उतार से जो है ना मसला हो जाएगा। चलें जी यहाँ से निकलते हैं, ज़ियारत भी हो गई माशाल्लाह से, और माशाल्लाह व्यू भी बहुत अच्छे थे, खुद भी देखे आपको भी दिखाएं। चलो जी सफर हुई है ना। अच्छा जी वहाँ से निकल आए हैं, और अभी इरफान भाई ने बोला कि यहाँ पे आगे सामने एक गांव है जिस गांव का नाम है शेरुजा नाम है, तो वहाँ पे आज कोई ताबूत बरामद हुआ है इमाम सज्जाद अलैहि सलाम के हवाले से, मैं भी मुझे मालूम नहीं, वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह पता पड़ेगा, तो अभी ये सामने रास्ता वहीं जाएगा उसी के लिए निकले हैं। मेरे ख्याल से बाकर और मुजावर भी वहीं गए हैं, अगर वहीं गए होंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे उनके साथ भी मुलाकात होगी। अभी इरफान भाई गए हैं नल के पास, उनकी आंख में कोई चीज़ चली गई है, कोई कीड़ा वगैरह था वो आंख में चला गया है, तभी वो अपना फेस वॉश करने गए हैं। हसनैन भाई ने कम से कम उनसे 25 बार पूछा है कितना आ गए, अभी कितना आ गए। अच्छा जी पहुंच चुके हैं,
इरफान भाई ने बोला था हमें कि तकरीबन 10-12 किलोमीटर है, लेकिन ये तो 25 किलोमीटर से भी ऊपर निकला। सबसे पहले मुंह हाथ धो लेते हैं, वजू भी करते हैं, फिर चलते हैं ताबूत पे, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं, खुद भी ज़ियारत करते हैं। लगे पड़े हैं जी यहाँ पे सब। चलो चलो साफ करो। सामने ये नल लगा हुआ था, बड़ा ही अच्छा था और बहुत मीठा पानी है, ठंडा पानी है। फ्रेश हो चुके हैं, बस चलेंगे अभी ताबूत पे, सबसे पहले ज़ियारत करेंगे। और ये सामने पूरा यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे रात को मजलिस ऐसा होती है मेरे ख्याल से। चलते हैं पहले वहाँ ज़ियारत करते हैं, आपको भी ज़ियारत करवाता हूँ। अच्छा जी, ताबूत पे आए थे और ज़ियारत भी कर ली, बात कर यहाँ पे हमें मिला है। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बहुत सफ़र करके आए हैं वापस, और बहुत दूर था, बहुत भी नहीं, बस सही था। और अभी हसनैन भाई ने बोला कि यहाँ पे चाय शाय पीते हैं, बहुत थक चुके हैं। जी सर, कौन चाय पिला रहा है? बस आज ना पिला रहा सैयद हसनैन रज़ा शाह, हसनैन भाई पिला रहा है। चलें अंदर, चलें चलें, चाय पीते हैं। ये जी होटल जहाँ अभी आए हैं, प्याला होटल के नाम से मशहूर है, और प्याला होटल की चाय माशाल्लाह ही बेस्ट। शाही तख्त पे सब सो चुके हैं, थक गए हम, बहुत थक चुके हैं। ये इरफान शाह ने 10 किलोमीटर के 20 किलोमीटर सफर करवाया है, मेरे ख्याल से 20 से भी ऊपर ही था। पानी शानी भी आ चुका है। अच्छा जी, आ चुकी है चाय, सो पीते हैं चाय। और यहाँ की मशहूर चाय है प्याला होटल के नाम से। कैसे यार, ये गर्म नहीं है हालांकि इतनी, हाथ में उठाएंगे अंदर से गर्म है बाहर पी के देखते हैं। दोनों बीच में बंदा अच्छी बनी हुई है। शुरू करो, टूट पड़ो, टूट पड़ो यार, टूट पड़ो, टूट पड़ो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय शाय पी ली माशाल्लाह, थकावट अभी कुछ दूर हो गई है। और निकलते हैं अभी यहाँ से, मेन बाईपास है ये सारा, चलते हैं घर की तरफ। एक दो और काम भी हैं, वहाँ भी चलना था आज, लेकिन लेट बहुत हो चुकी है, मैंने अभी कॉल कर दी उस बंदे को, तो चलते हैं वहाँ पे, वो भी बताता हूँ आपको, वो भी ज़रूरी काम है आज वैसे। A few moments later. अच्छा जी, तो घर से निकल चुके हैं, मैं तकरीबन बस 5 मिनट घर पे बैठा हूँ और सीधा निकल आया हूँ। जैसे ही आया तो नजफ भाई भी मुझे मिले, नजफ भाई को मैंने बोला चलना है, तो उन्होंने कहा मुझे भी चलना है वहाँ। आपको पता था चलूँ कि मैं जा रहा हूँ सैलून जुनैद भाई के पास, वहाँ पहुँचते हैं, करते हैं हिसाब जुनैद भाई से, जो 3 दिन से हमें टाइम नहीं दे रहा। अच्छा जी, अभी आए हैं अच्छा जी, तो मेरे बाल वाल और माशाल्लाह दाढ़ी सेट हो चुकी है, और आज मेरे साथ जो शख्सियत आए हैं, मैंने आपको दिखाया या नहीं, सो मेहराब शाह आज हमारे साथ आए हैं, नजफ भाई साथ आए हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनका हमारे ऊपर कर्म खास होता है, और मेहराब शाह जी बड़े अच्छे दोस्त हैं, साईं की दुआएं। यहाँ पे हसनैन भाई भी लगे पड़े हैं, ये सरकार भी लगे पड़े हैं। सो हमारी सेटिंग तो हो चुकी है माशाल्लाह से, अभी साईं मेहराब शाह वाले इंतज़ार में बैठे हैं। साईं, आज आप बड़े चमक रहे हैं। अच्छा, क्या राज है आपकी चमक का? जुनैद भाई, ये जो जियो जियो, मुझे लग रहा है ये सारा गर्म आपके ऊपर जुनैद का है, है ना? हंस भी रहा है, देख रहे हैं वो हंसेगा। जुनैद भाई की भी कुछ शिकायत है आपसे? क्या शिकायत है वो अभी खुद बताएंगे। जुनैद भाई, कोई शिकायत वगैरह थी साईं से तो बताओ। नहीं साईं, आप इस बात का मैं गवाह हूँ, हमें खिलाते हैं, लेकिन मुझे उस दिन कॉल आई थी जुनैद भाई की, बोल रहा था साईं को ब्लैक सूट पहना हुआ था,
और ऊपर से बाल भी थोड़े इधर उधर थे। मैंने उसे कहा ना कोई हिसाब से साईं मातम में उतरा नहीं था, फिर भी साईं ने कीचड़ वीचड़ लगा के ना साईं थोड़ा तो परिमाण बन के जा रहा था। तो जुनैद का कहना ये है कि आप हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेके जाएं, वहाँ पे हम उसको निहार करके खाएंगे। Am I right? वो भी खाता लार दिल, दिल की बात है सही। दिल की बात है। बड़ी हाई कर दो। सो मेरा आपशा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके दुख हमने सुने। आप आखिर कौन सा स्टाइल करवा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि साइड से फेड कर रहा हूँ, बीच में से बाल। भाई इसके बालों के लिए कुतर मशीन मंगवाइए। आखिर भाई के बाल अच्छे हैं और अच्छे ही हो जाएंगे। ब्रांडेड बाल हैं। इंडिया का डबी महंगा था। इसका क्या करोगे आज? किसका? इसका ये सही। हाँ चुपड़ी है भाई साहब। साईं बड़ा हसीन और जमील बंदा है। प्यार में बोलते हैं हमें, साईं की शख्सियत बहुत बड़ी है। हाँ यकीन करो, हम भी उम्र में ऐसे होते थे राकेश। वाह अभी तो प्यार में पट रही बोलते थे। ऐसे उम्र में राकेट होते थे, अभी तो पूरी तोप बनी पड़ी है। नजर भाई की बारात हो यार, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं आज कल इसके लिए। नहीं नहीं अभी इसका अरूज है, पता है इसका अरूज कैसे बनेगा। सुनो सुनो अभी यहाँ पे खड़ा है तो इसका सवाल है, जब यहाँ आएगा तो अरूज हो जाएगा। अरूज लाने वाले भी आप है, सवाल लाने वाले भी आप है। हाँ जी कौन सी सेटिंग हो रही है अभी इसकी? अजब मेरे ख्याल से तुम छोटे करवा दो बाल, छोटे करवा रहे हो ना। साईं के बाल ही नहीं आ रहे साल से। ओके ना हमारा आखिरी शपा टर भी रेडी हो चुका है। अच्छे हो गए क्रिएटर। अच्छा जी ये भोगा यूं जो हमारा हिसाब है वो हम चुकाएंगे, जो इनका हिसाब भी ये खुद चुकाएंगे। सबसे पहले हमारा हिसाब आपसे हम लेंगे। छोटल टोटल बताओ, टोटल बताए आपके 600 अलग है। तुम मेरी आंखें वो नहीं करो ना भाई। साईं से 1200 रुपये डबल, साईं के बाल कम है ना भाई, इनसे भी स्लिप हो रही थी। चलो जी निकालो अपनी जेब में खाली करो। नहीं नहीं ये थोड़ा हमारा अपना है जी। क्या है साईं अपना 400 रुपये कटिंग। ओ नहीं साईं Oh my God. बाकी साईं आप परेशान नहीं हो, रही किस्से भी है हमारे। चलो भाई चलो अपनी जेबें खाली करो। आज सबके पैसे इस बैंक से जा रहे हैं। कमाने वाली मशीन है। चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साईं सर। थैंक यू। खुश रहे कुछ तो मुश्किल ही है इस जमाने में। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सब माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, सब ने कटिंग करवा दी और माशाल्लाह मैं हसनैन भाई नजब बाकर तकरीबन सारे साईं मेरा आपसे फिलहाल नहीं करवाई। निकलें चलें। चलो जी तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ अब तक आप पहुँचें। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद, खुदा हाफिज़, अली वारिस।